तो इस वक्त की अहम खबर यह कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक बयान सामने आया है और लोकसभा चुनाव की हार को लेकर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 2019 की हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और आज राहुल गांधी से मिलेंगे सभी सीएम, हम सभी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हैं। और गहलोत ने कहा कि केवल राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, मौजूदा परिस्थितियों में राहुल गांधी ही टीम का नेतृत्व कर सकते हैं और कांग्रेस के प्रोग्राम, पॉलिसी और आइडियोलॉजी नहीं हारी है। तो दरअसल बार बार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नेता सामने क्यों नहीं आ रहा, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उधर राहुल गांधी की जो अध्यक्ष पद को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है, एक महीने का वक्त उनकी तरफ से दिया गया कि मैं अध्यक्ष पद पर अब नहीं रहना चाहता, इसको लेकर भी कहा गया है यहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से कि उनके अलावा कोई और ऐसा नेता नहीं है जो कि पार्टी को एकजुट रख सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और राहुल गांधी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके इस्तीफे की मांग के साथ ही कांग्रेस एक अलग ट्रैक पर नजर आई है। उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की, तीन अलग अलग चीजें देखने को मिली। पहली तो ये कि कांग्रेस के दिल्ली ऑफिस के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और वो ये कहते हुए मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहें। दूसरा ये कि जब उन्होंने इस्तीफे की बात की तो 200 से ज्यादा इस्तीफे यहां पर हो गए और जिम्मेदारी लेने की बात शुरू हो गई। और तीसरा ये कि अब जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी प्रदेश के अंदर, अलग अलग प्रदेशों के अंदर कांग्रेस के बेहतर परफॉर्मेंस की, अब वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है अगर लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस हारी है। यानी कि राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे के साथ कांग्रेस को एक दिशा भी दिखाई कि अगर आपसे गलतियां होती हैं तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने सबसे पहले जिम्मेदारी ली। बहरहाल अभी भी वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफा यहां पर देंगे और कोई नया अध्यक्ष यहां पर चुना जाएगा जो कि गांधी परिवार से नहीं है। लेकिन क्या वाकई में जिस तरीके से अब कांग्रेस के अंदर एक अलग ट्रैक दिखाई दे रहा है कि इस्तीफे दिए जा रहे हैं, जिम्मेदारियां ली जा रही हैं और राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या राहुल गांधी एक स्ट्रेटजी के तौर पर यह सब कुछ कर रहे हैं जिससे कांग्रेस को एक बार फिर से एकजुट किया जा सके, गंभीरता से जमीन पर काम करने के लिए उनको एक बार फिर से एनर्जी के साथ जोड़ा जा सके। दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, क्या माना जाए कि राहुल गांधी ने इस्तीफे की जो शुरुआत की उसका मकसद दरअसल इस्तीफे से ज्यादा इस बात को लेकर था कि कांग्रेस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े, अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले और एकजुटता के साथ आगे नजर आए, फिर चाहे इस्तीफे की बात हो या जिम्मेदारी लेने की बात हो। देखिए, जब रिजल्ट आया विजेंद्र 23 तारीख को तो उसके ये शॉकिंग तो था राहुल गांधी के लिए जाहिर तौर पे, लेकिन राहुल गांधी के लिए उससे बड़ा शौक ये था, जनता ने मोदी को इतना बड़ा मैंडेट दिया एक अलग मुद्दा था, लेकिन राहुल गांधी इस बात के लिए शॉक्ड थे कि जो पार्टी है वो क्यों नहीं समझ पाई कि अमेठी में ये हालात है और वो लीडर्स जो इस बात का दावा करते थे, वो दिग्गज नेता जिसमें अशोक गहलोत का भी नाम होगा, वो तमाम दिग्गज नेता जो इस बात का दावा करते थे कि सबसे बेहतर प्रदर्शन होगा खासतौर पर उन राज्यों में जहाँ पे अभी सरकारें बनी हैं, चाहे उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात होती थी, कर्नाटक की बात होती थी, पंजाब की बात होती थी, तो उनको इस बात से ये तो लगा कि जिम्मेदारी तो राहुल गांधी ने पहले दिन ले ली थी कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, मेरे होते हुए ये इतना बड़ा फेलियर डिबैकल हुआ तो ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी कार्य प्रणाली थी, चाहे वो जनरल सेक्रेटरीज की हो या जिस तरीके से उनको फीडबैक दिया जा रहा था कि मिनिमम इतनी सीटें तो कांग्रेस जीतेगी, ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी को लगा कि जो उनको फीडबैक दिए जा रहे थे वो सही नहीं थे। तो अब इसमें पहला सवाल ये था कि राहुल गांधी अड़ गए हैं, अभी तक भी स्थिति यही है कि वो अड़े हुए हैं कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर नहीं रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुनर्गठन करना चाहते हैं पार्टी का, पार्टी में सारे जनरल सेक्रेटरीज को बदलना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ये बात भी कही, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि अगर पार्टी में बदलाव होगा तो शुरुआत मुझसे होगी लेकिन बदलाव सब जगह होगा, दोबारा से कांग्रेस का पुनर्गठन होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग भी हैं आज जो 70-70 साल के हो चुके हैं, वो अपने कमरों से बाहर नहीं आ सकते लेकिन वो चुनाव प्रचार नहीं, हालांकि आइडियोलॉजी, कांग्रेस आइडियोलॉजी की बात करती है और वो आइडियोलॉजी उन्हीं दिग्गज नेताओं से मिलती है, लेकिन ये बात सही है कि काम, फील्ड वर्क, कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन, क्योंकि लेकिन अभी राजस्थान की तरफ से भी बार बार ये आवाज उठ रही थी कि आखिरकार कोई नेता सामने आकर हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है, तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके ये चीजें साफ कर दी और कहा कि हाँ, हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
ये दो बातें हैं। ऑफ रिकॉर्ड मुख्यमंत्री ने कई बार कहा कि जिम्मेदारी सामूहिक है, पूरी पार्टी और जो जनरल सेक्रेटरीज या बड़े नेता वो सामूहिक जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन ये एक ऑफिशियल बयान आया है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी या उनकी टीम को लगता है कि ऑफिशियल बयान आने में देरी हुई है। ये बयान पहले आ जाता, और देखिए दो तरह के इस्तीफे हैं। एक इस्तीफा वो होता है कि मैंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करी, लेकिन अभी फिलहाल जो इस्तीफे हैं और जो धरना चल रहा है कांग्रेस ऑफिस में वो ये इसलिए है कि राहुल गांधी अगर नहीं होंगे तो हम इस पार्टी के साथ काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने पदों पर इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो चाहते हैं राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस ले। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन कांग्रेस में आ चुके हैं और इसके लिए बहुत बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी अब क्या अपने इस्तीफे पर अड़े रहेंगे या वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। ठीक है अदिति, लेकिन मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं क्योंकि आज वो मुख्यमंत्री राहुल गांधी से मिल रहे हैं जो कि कांग्रेस के और अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 23 मई को रिजल्ट आया था, आज दरअसल 1 जुलाई है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त इसी कंफ्यूजन में हो गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहेगा, कौन बनेगा, किस तरीके से होगा। ये कंफ्यूजन आज खत्म होता आपको दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि और ज्यादा उलझने वाला है? विजेंद्र, इसमें 5 बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल कि क्या आज ये गतिरोध खत्म होगा, क्या ये जितने भी मुख्यमंत्री और नेता मिलेंगे वो राहुल गांधी को मनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। लेकिन पिछले 1 महीने में कांग्रेस ठप हो चुकी थी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो देश में नहीं थे और वो अपने पद से इस्तीफे के लिए अड़े हुए थे, और ऐसे में कोई ये गाइडिंग फोर्स नहीं था। बहुत सारे नाम आए, सबसे पहला नाम आया कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया जाए, फिर नाम आया सोनिया गांधी को, तो राहुल गांधी के खेमे से बात आई कि गांधी परिवार से कोई होगा ही नहीं। उसके बाद कई दिन तक शांति रही क्योंकि किसी में इतना गट्स या कट नहीं थे कि कोई गांधी परिवार के बाहर का नाम सुझा सके, और फिर नाम आया राजस्थान के गांधी अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत कहीं ना कहीं दिल्ली नहीं आना चाहते, तो ऐसे में फिर और तमाम नाम आने शुरू हुए जिसमें मुकुल वासनिक और तमाम नाम है, लेकिन ये कोई भी नाम फिट नहीं है। तीसरी बात जरूरी ये भी है कि कोई चाहता नहीं है कि इस पोस्ट पर आए, तो अल्टीमेटली घूम फिर कर बात यही है कि राहुल गांधी को मनाने का ये सिलसिला जहां तक है, आज 5 मुख्यमंत्री पहले अपनी गलतियां मानेंगे, दूसरा ये जिम्मेदारी लेंगे कि अब हम ना सिर्फ अपने अपने राज्यों में लेकिन दूसरे राज्यों में भी ये मैसेज देंगे कि गवर्नेंस कैसे की जाती है, और चौथा कि हम पार्लियामेंट से लेकर मतलब रोड से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस हर तरीके से कमिटमेंट के साथ बीजेपी के सामने खड़ी रहेगी। तो तमाम गलतियां और जिसे बोलते हैं गिले शिकवे दूर किए जाएंगे, और उम्मीद है कि आज ये गतिरोध खत्म हो, और ये गतिरोध दो ही तरीके से खत्म होगा, या तो राहुल गांधी अड़े रहेंगे, और अगर अड़े रहे तो प्रियंका गांधी के भारत आने के बाद तुरंत CWC होगी, और जो नाम पे सुझाव मशवरे हो चुके हैं जिसमें अशोक गहलोत का भी नाम है उनमें से कोई नाम फाइनल हो जाएगा, या फिर राहुल गांधी को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से स्थिति है, एज अ रिपोर्टर मैं यही कहूंगी कि इतनी बड़ी देश की पार्टी में ये गतिरोध खत्म होना चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, कार्यकर्ता कभी रिजाइन करता है, कभी धरना देता है। लेकिन अदिति, किस वजह से? अदिति, जब मैं इसको राजनीतिक चश्मे से देखता हूं तो मुझे बहुत सी चीजें नजर आती हैं। पहली तो ये कि वक्त देखा गया, राहुल रिएक्शन देखना चाहते थे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिएक्ट क्या करते हैं जब वो इस्तीफा देना चाहते हैं। दूसरा ये कि इतना वक्त निकाला गया, और कहा जाता है कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है किसी भी जख्म को भरने के लिए, तो क्या राहुल गांधी को जो हार का जख्म लगा है उसको भरने के लिए बाकी वरिष्ठ नेता है उसको टाइम के साथ आगे डिसॉल्व कर रहे थे? और इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूं, क्या वाकई में इस्तीफा देना, इस दौरान जिम्मेदारियां लेना और कांग्रेस ऑफिस के बाहर धरना देना, ये सब राहुल गांधी के एक रणनीति के तहत ताकि उन पर क्वेश्चन ना हो और ये कहा जाए कि हाँ पूरी कांग्रेस आपके साथ है और आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहिए? बिल्कुल, आप विजेंद्र कहे बिल्कुल सही रहे हैं और आपने बहुत खूबसूरती से इसको कहा, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो ऐसे कांग्रेस का फायदा ना हो कि कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर केवल ये एक स्टंट था तो ये स्टंट से कांग्रेस को नुकसान हुआ है क्योंकि जो बीजेपी है वो अभी अपने फुल स्विंग में है और वो अपना देश की जनता के ऊपर इंप्रेशन बनाने में लगी हुई है, और वहीं कांग्रेस इस तरीके से पिछड़ती जा रही है अगर ये केवल स्टंट था। लेकिन जहां तक जो शीर्ष नेतृत्व बताता है वो ये कहता है कि राहुल जाहिर तौर पे और नाराज है पार्टी से भी, खुद से भी और पूरी कार्य प्रणाली से। तो बार बार ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी नाराज हैं और इसी वजह से अपने इस्तीफे पर भी अड़े हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति, हमारे से जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए।